और तो आप लोग यहाँ पे आओगे खाओगे तो आप लोगों को 10% डिस्काउंट भी मिलेगा, ये बोल दिया है। नहीं कर सकता मैं भाई, नहीं कर सकता ये। दोस्तों जैसा कि आप लोगों को तो पता ही है, मैं आप लोगों को ग्वालपारा का बहुत ही खूबसूरत जगह दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ एक के बाद एक। तो आज भी ग्वालपारा का ही एक बहुत ही खूबसूरत जगह पे हम जाने वाले हैं, दिखाने वाले हैं आप लोगों को उस जगह की खूबसूरती। हमारे ग्वालपारा में ऐसी बहुत सारी जगहें हैं जो आपको मैं अगर दिखाने जाऊँ तो 100 वीडियो में भी ख़त्म नहीं होगा, बहुत सारे जगहें हैं। तो आज उनमें से एक यूनिक जगह पे जाने की कोशिश करेंगे, आप लोगों को एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे उस जगह के बारे में। तो चलिए ले चलते हैं आप लोगों को उस जगह, वो आप लोगों को कैसा लगता है बाद में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों चलते हैं, आप लोगों को दिखाने की कोशिश करता हूँ मैं। कुछ दिन बाद दुर्गा पूजा महोत्सव शुरू होने जा रहा है, तो आप देख सकते हो तैयारी भी जोरों से चल रहा है। पहुंच चुके हैं बरपुखरी पार्क, इसे बरपुखरी बोलते हैं, असम इसमें पुखरी बोलते हैं लेकिन हिंदी में इसका अर्थ है तालाब। तो हम आगे बरपुखरी पार्क, जो पार्क है ना वो बहुत पुराना पार्क है, हम स्कूल के टाइम से ही देख रहे हैं पार्क को, और बहुत बार इसका मॉडिफिकेशन भी हुआ है, बहुत ही अच्छा पार्क है, आप लोगों को पसंद आएगा, ग्वालपारा किसी से कम नहीं है। ये है पार्क में घुसने का मेन गेट, आप देख सकते हो, और वो जो पानी के बीचों बीच एक घर और एक आदमी चलता हुआ दिख रहा है वो एक्चुअली आर्टिफिशियल है, वो पानी में तैर रहा है। और ये मेन गेट से लिया गया पार्क के कुछ झलकियां। दोस्तों स्कूल के टाइम पे ना हम लोग बहुत मस्ती करते थे यहाँ पे, वो भी क्या दिन थे यार। और इन गधों को देखो, इतना भी कॉमन सेंस नहीं है कि ये बच्चों के लिए है, क्या होगा इन लोगों का। और एक बात, जहाँ पे भी पास में तिरंगा दिखे बिना देरी किए चूम लेना चाहिए। आप लोग अभी जो देख रहे हो नज़ारा, ये बहुत ही पुराना एक पार्क है हमारा ग्वालपारा का, बहुत ही फेमस पार्क में से एक। आप जो पार्क देख रहे हो इसका बहुत बार मॉडिफिकेशन हो चुका है, पहले इतना खास नहीं था, अभी इंडिपेंडेंस डे के बाद थोड़ा इसको डेवलप किया है, बहुत अच्छे से मतलब सजाया है पार्क को। और आप लोग आएंगे यहाँ पे तो आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। ग्वालपारा में कभी आप लोग आओ घूमने के लिए तो आराम से यहाँ पे आओ, बैठो, देखो जगह को, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। दोस्तों आप लोगों ने तो इसकी खूबसूरती देख ली, इस पार्क की खूबसूरती देख ली, लेकिन हर खूबसूरत जगह में कोई ना कोई मतलब काम गंदा करने वाला इंसान होता ही है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक डस्टबिन पड़ा हुआ है लेकिन किसी ने नहीं उठाया है, तो इस डस्टबिन को पहले हम उठा के अपना स्वच्छ भारत मिशन का जो अच्छा काम है वो कर लेते हैं। तो ये जो चेयर देख रहे हो यहाँ पे, पहले भी मैं बहुत बार आ चुका हूँ यहाँ पे, बैठ के बहुत ही सुकून मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। कभी भी किसी दोस्त यार के साथ आओ, बैठो, आराम से बात करो, बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को। अगर कोई कपल्स वगैरह हो तो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड भी यहाँ पे आराम से आ सकते हैं, बैठ के बात कर सकते हैं, कोई बात नहीं। यहाँ पे मैं बहुत देर से दो बच्चों को नोटिस कर रहा था, दोनों में से एक के बदन पे कपड़ा नहीं था और एक का कपड़ा थोड़ा गंदा लग रहा था। फाइनली मैंने डिसाइड किया कि एक बार पूछ लेते हैं आखिर बात क्या है। फिर मैंने बड़े वाले से पूछा, तुमने कपड़े क्यों नहीं पहना, क्या तुम्हारे पास कपड़े नहीं है। दोनों भूखे लग रहे थे, मैंने पूछा खाना खाया कि नहीं, और दोनों ने ईमानदारी से जवाब दिया, हमने खाना नहीं खाया लेकिन घर पे खाना बना है। बच्चे मन के सच्चे होते हैं, कभी झूठ नहीं बोलते। फिर मैंने पूछा कुछ खाओगे, कुछ लाओ मैं तुम्हारे लिए, तो वो लोग चच से मान गए। फिर वहाँ पे दो बच्चे और आ गए, पर उन लोगों को कुछ देखकर मुझे बहुत सुकून फील हुआ। यहाँ पे मेरा एक छोटा भाई है जो पार्क के बारे में थोड़ा जानते हैं कि पास में ही रहता है, तो मैं जानना चाहूँगा यहाँ पे कितने लोग आते हैं दिन में। मतलब क्या है, इवनिंग को जब हम लोग स्कूल से आते हैं, ट्यूशन से भी आते हैं, तब वी नीड सम ब्रेक, राइट राइट। सो इसके लिए कभी कभी हम लोग पार्क में आते हैं, तो फ्रेंड लोग के साथ बात भी करते हैं, फिर साइड में दुकान मोमोस रहता है, जंक फूड का दुकान, खाता है पीता है,
लोग मस्ती करते हैं, मतलब यहाँ पे आके एंजॉय करते हैं पूरा, वही है। और क्या है पार्क के बारे में क्या बोले, यहाँ पर दुर्गा पूजा आ रहा है अभी, दुर्गा पूजा भी सेलिब्रेट होता है, तो पार्क में ही सेलिब्रेट होता है दुर्गा पूजा, पार्क के पार्क में ही दुर्गा पूजा सेलिब्रेट होता है, और सब लोग गेट टू गेट होता है, बाहर से भी आते हैं आदमी, तो इसलिए ये पार्क मतलब थोड़ा ऐसा है कि हम लोग के दिल के करीब है, दिल के करीब, और कुछ भी बोलने से मतलब पार्क यही है। यहाँ पार्क के बगल में सुंदर सा फास्ट फूड का ठेला देख सकते हो आप, मेन्यू कार्ड भी लगा हुआ है। दोस्तों यहाँ पे मेरा एक दोस्त है, हम दोनों एक सर स्कूल में पढ़ते थे, इसका नाम है उज्जवल, क्या नाम है उज्जवल, उज्जवल, तो ये काम कर रहा है अभी, बिजी है, तो हल्का सा बिजी है। ये जो अभी तैयार कर रहा है ना, ये मतलब रोल में और बर्गर में यूज होता है, जो वेजिटेबल्स यूज होता है ना, तो वो है, वो रेडी कर रहा है, वो बिजी है थोड़ा। और ये जो आप देख रहे हो ना, ये बोरपुखरी के पार में ही है, साइड में ही है, इसका ढाबा है छोटा सा, तो यहाँ पे आप जब भी आओ, कुछ खाने का मन करे फास्ट फूड वगैरह, तो उज्जवल के पास आओ, आराम से खाओ। तो उज्जवल कुछ कहना चाहोगे तुम्हारी दुकान के बारे में, लोगों को था तुमने ही बोल दिया है, सब बोल दिया ही मैंने, फिर भी मेरा दोस्त हो ना तो बोलना तो पड़ेगा। तो कभी भी आप यहाँ पे आओ तो उज्जवल की दुकान में आओ, तुम्हारे यहाँ पे मतलब स्पेशल क्या मिलता है, क्या क्या मिलता है? देख यार स्पेशल तो सभी है, लेकिन जो फेमस है वो तो है मेरा रोल, और जो ये मतलब चिकन भेज मतलब हाँ, सब मिल जाएगा। हाँ, 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 हाँ। और अभी तो मोमो लगाया फिलहाल, हाँ, हाँ, हाँ। तो मोमो भी मिल जाएगा आप लोगों को, जो भी है, तो हाँ। फ्राई मोमो है, हाँ। स्ट्री मोमो है, तो मोमो है, तो बोल रहे हैं मेरा मतलब पानी निकलना शुरू हो गया मुझसे। तो मेरे से क्या मतलब, फ्री में खिलाओगी या पैसा लोगी? यार क्यों पैसा यार, फ्री है मेरे लिए, फ्री नहीं, मैं तो पैसे से खाऊंगा भाई, अकेले भी आया था तुम्हारे पास, चाहता रहूंगा, और जब भी अभी जो वीडियो देख के लोग आएंगे तो लोगों को निराश मत करो, अच्छे से खिलाओ, ठीक है? ठीक है, ठीक है, ओके ओके, तो मैं भी चलता हूँ। हाँ, भाई का नाम लीजिए, भाई को फैमिली को सब्सक्राइब कीजिए बढ़िया करके आराम से, और सबको तो पता ही है, थैंक यू, सब्सक्राइब तो करना ही चाहिए, और भाई का नाम बोलिए ना तो कम से कम 10% डिस्काउंट मिल जाएगा आप लोगों को। ओके 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 ओके, ये तो स्पेशल आ गया, स्पेशल कीजिए, थैंक यू थैंक यू। तो आप लोग यहाँ पे आओगे खाओगे तो आप लोगों को 10% डिस्काउंट भी मिलेगा, ये बोल दिया है वो दोस्ती के खातिर, तो आप लोग जरूर आओ यहाँ पे। फिर मैं पहुंचा हुलुकंदा बाहर, फिर जो मेरे साथ हुआ आप लोग खुद देख लीजिए। पहाड़ के ऊपर से ग्वालपारा शहर दिखाने के चक्कर में कलेजा हाथ पे आ गया था मेरा। आप लोगों को बताया नहीं था, हम लोग यहाँ पे आए थे हुलुकंदा पहाड़ में, तो सोचा कि हुलुकंदा पहाड़ के ऊपर से हम ग्वालपारा दिखाने की कोशिश करेंगे आप लोगों को, लेकिन थोड़ी देर जाने के बाद बंदरों का बंदरों का जो टीम देखा मैंने, उसके बाद मेरा हालत ख़राब हो गया, डर के मारे मैं नीचे आ गया अभी, तो मैं दिखा नहीं पाऊँगा कभी, मेरा मतलब अंदर से दिल काँप रहा है मेरा बंदर की वजह से, इतना बंदर, बाप रे बाप, हज़ारों में बंदर है, अकेले मत आइए आप, अकेले मत आइए, बैन बज जाएगा, मेरा बैन बज चुका है, मेरा बैन बज चुका है, मैं यहाँ पे नहीं दिखा सकता आप लोगों को, इतना सारा बंदर नहीं कर सकता मैं भाई, नहीं कर सकता, ये हुलुकंदा पहाड़ के ऊपर मैं अकेले नहीं जा सकता भाई। दोस्तों हम लोग पहाड़ के ऊपर बहुत चढ़ने की बहुत कोशिश की, देख सकते हो आप मेरा स्वेटिंग हो रहा है, इतना एकदम हालत ख़राब हो गया है, और आप लोग देखो आगे कितना ऊपर हम आए थे, कितना ऊपर हम लोग आए थे, लेकिन अभी मेरा हालत ख़राब हो गया वो बंदरों की वजह से, बाप रे, एन वक्त हमें नीचे आना पड़ा, क्योंकि बहुत ज़्यादा बंदर था, अकेले नहीं हो पाएगा, अगर 10-15 जन एक साथ आए तो हो सकता है, लेकिन अकेले नहीं हो सकता। मैं पहाड़ी पे चढ़ने की कोशिश कर रहा था ना, वो पहाड़ी, वो वाला पहाड़ी है, और उधर आप एक देख सकते एक टावर है, हाँ वो टावर दिख रहा है ना आप लोगों को, तो वहाँ पे चढ़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बंदरों की वजह से तो आप लोगों को पता ही है मुझे वापस आना पड़ा, बहुत सारा बंदर है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, अब मैं चला, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो।